वही जनपद रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन द्वारा केदारनाथ यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं की लगातार सराहना हो रही है। दरअसल इस वर्ष केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद प्रयास किए गए हैं, ताकि यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतें ना झेलनी पड़े। साथ ही इसके लिए कई स्थानों पर निःशुल्क ठहरने, खाने, स्वास्थ्य की जाँच की उचित व्यवस्था भी की गई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पे देखा कि पार्क में टेंट वेंट लगा हुआ है, तो पार्क में अंदर आए तो अंदर पता चला तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे रहने के लिए आपके लिए सुविधा है, आप रहो, बैठो, लूटो, कुछ भी करो, तब पता चला। उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, सारे गद्दे से लेकर कूलर और सारी चीज़ें। मेरा नाम सुब्रत मंडल है, मैं कलकत्ता का रहने वाला, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। और यहाँ आया था मैं कल ये केदारनाथ यात्रा के लिए, जाने की वक्त भी मैं यहाँ रुका था, आने की वक्त भी मैं तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो रुका हूँ। यहाँ मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिली है, रहने की जगह मिली है, खाने की व्यवस्था है। और यहाँ से मेरे लिए नहीं, हर यात्री के लिए इधर सुविधा है, पूरा शौचालय है, शौचालय भी बहुत अच्छा खास फैसिलिटीज है।